हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आपके एग या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है जिस वजह से आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, या फिर एज ज़्यादा होने 30+ 35+ होने के वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में क्वालिटी के इशू बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाता है एजिंग फैक्टर की वजह से। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लिया है आपने, इसकी वजह से आपके एग स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रह पाई है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बहुत सरल भाषा में बहुत सरल सहज तरीके बताए हैं जिसका मॉडिफिकेशन बताए हैं वो करके आप अपने एग स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। आज हम स्पेशली बात करेंगे विटामिन ई के बारे में कि इसका रोल क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है, और वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से फोकस करके अपने फूड के थ्रू ही विटामिन ले सकते हैं पर्याप्त मात्रा में, और डेली के इसकी डोजेस कितनी होनी चाहिए, ये सारी बातें आज की वीडियो में होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही बेनिफिशियल नॉलेज मिलता है जिससे आपको अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही मदद मिलती है। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार प्लेलिस्ट और सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं आपकी समस्याओं पर, उनको देखें, उनमें आपका समाधान मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ई की खूबियों के बारे में, क्वालिटीज़ क्या है, वो हमको करता क्या है, क्या बेनिफिट क्या है उसका हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और आप सभी को पता है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की बात मैं कई बार करती हूँ कि हमारे फूड में चाहे फिलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो, चाहे आपको ओवेरी में सिस्ट हो, चाहे इसी तरह का कोई भी तरह का आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में लेना है ताकि बॉडी के अंदर जो सेल्स पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिमूव करने में मदद मिल सके, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में मदद मिल सके। अगर आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़रूरी होता है एंटीऑक्सीडेंट का लेना, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स को एंटीऑक्सीडेंट दूर कर सके और आपको मेडिसिन का सही इफ़ेक्ट मिले। तो फ्रेंड्स, विटामिन ई बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ आपके एग और स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखता है लंबे समय के लिए। ये जो सेल्स होती हैं इनको ऑक्सीडेटिव डिके से बचाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और सेल्स को, स्पर्म को, एग को बहुत जल्दी डिके होने से बचाता है, और लंबे समय तक स्पर्म को महिला के शरीर में रुकने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि महिला के शरीर से जो वजाइना से म्यूकस रिलीज होता है, डिस्चार्ज आता है, सर्वाइकल म्यूकस जो रिलीज होता है, उसको बनाने में विटामिन ई का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए, अगर रिप्रोडक्टिव एज में आप हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो एक बार ध्यान दें कि अगर आप प्रीनेटल विटामिन्स नहीं ले रहे हैं तो प्रीनेटल विटामिन्स जरूर लें। अपने कंसल्टेंट से बात करें, उससे बताएं आपको प्रीनेटल विटामिन दिया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा विटामिन ई एग और स्पर्म को फर्टिलाइज होने में हेल्प करता है, इसके अलावा गर्भ को आगे तक ले जाने में भी बहुत मददगार होता है, इसलिए विटामिन ई बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे तो इसको हम ले कैसे सकते हैं खाने पीने की चीज़ों से, क्योंकि मैं वही टिप्स बताती हूँ जो आपके लिए बहुत आसान है और आप घर में अपने रूटीन में, घर में अवेलेबल चीज़ों से उसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी नट्स हैं, जैसे नट्स में स्पेशली बता दूँ एलमंड, और इसके अलावा सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड खासतौर से, जो वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ करते हैं, राइस ब्राइन ऑयल के बारे में खासतौर से बताऊँगी, ऑलिव ऑयल, वैसे ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें भी इस विषय को मैंने बताया है। ऑलिव ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये तीन ऑयल ऐसे हैं जब आप परचेस करें तब उस पर आप अच्छे से पढ़ें डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है कि इसमें विटामिन ई की कितनी मात्रा है, तो आपको पता चल जाएगा कि इन ऑयल में विटामिन ई पाया जाता है, और जिसमें पाया जाता है वो ऑयल आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रूट्स में बात करें तो कीवी, मैंगो, क्रैनबेरी, एप्रिकोट, ब्लैकबेरी, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अवोकाडो में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन पाया जाता है। तो इन फ्रूट्स में से एक, कोई ना कोई एक फ्रूट अपनी डेली की डाइट में आप ज़रूर शामिल करें। रास्पबेरी टी, मैंने जो फर्टिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए 3 टी आपको बताई है उसमें रास्पबेरी भी एडेड होता है। अगर आप वो टी नहीं ले रहे हैं तो आज ही वो वीडियो देखें और उनमें से कोई एक टी अपनी सुविधा के अनुसार चयन करें जिसमें कि रास्पबेरी ज़रूर हो, क्योंकि रास्पबेरी टी में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट आइटम हो जिसके यूजेस से बहुत सारी गुड न्यूज़ भी मिली है हमको चैनल पर, आप सभी के साथ मैंने शेयर भी किया, वो है वीट ग्रास जूस। वीट ग्रास जूस
एक बंडल है विटामिन्स का। व्हीट ग्रास जूस को अपनी डेली के रूटीन में नींबू पानी में, प्लेन वाटर में भी आप ऐड करके पी सकते हैं, नींबू पानी में, अनार के जूस में, किसी भी जूस में जिसमें आपको ठीक लगे आप उसमें ऐड करके उसको अपनी दिनचर्या में जरूर जरूर शामिल करें। इन सभी चीज़ों में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और साबुत अनाज का आप प्रयोग बहुत अच्छी मात्रा में करें क्योंकि अनाज के छिलकों में भी विटामिन ई पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारी है आपके जीवन को बेहतर बनाने में, आपके स्वास्थ्य को ठीक करने में, आपकी इनफर्टिलिटी को प्रॉब्लम दूर करने में आपकी बेहद मदद करने वाली है। इसी तरह जुड़े रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ। मैं जल्दी मिलूंगी एक नए और रोचक और उपयोगी विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।